जय श्री राम सबको। आप सभी जानते हैं कि वैशाख माह की शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा को वैशाख पूर्णिमा कहते हैं और इसे बुद्ध पूर्णिमा भी कहते हैं, क्योंकि ये भगवान बुद्ध के जन्म की तिथि भी है। साल यह तिथि 23 मई को पड़ रही है। तो आज मैंने ये जो वीडियो बनाया है, ये इस दिन हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, इसी के बारे में बनाया। आई होप आप लोग को ये वीडियो पसंद आएगी, और अगर पसंद आए तो प्लीज लाइक और शेयर करें और कमेंट करके भी बताएं कि आपको कैसी लगी। जैसा कि आप सभी जानते हैं, पूर्णिमा के दिन व्रत रखने का और दान करने का बहुत अधिक महत्व होता है। माना जाता है कि वैशाख पूर्णिमा के दिन स्नान करने और दान करने से सभी प्रकार के कष्ट समाप्त होते हैं और मृत्यु के पश्चात मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस अवसर पर लोग अपने घरों में सत्यनारायण भगवान की कथा का आयोजन भी करते हैं और पूजा पाठ करते हैं। कहते हैं कि इस दिन कुछ खास उपाय करने से घर में धन लक्ष्मी की बरसात होती है और माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है। ये तिथि माता लक्ष्मी और चंद्र देवता को प्रसन्न करने के लिए सबसे ज्यादा शुभ मानी जाती है। इस दिन किए गए धन वृद्धि के उपाय बहुत ही ज्यादा फलित होते हैं। तो आइए जानते हैं ऐसे ही कुछ उपायों के बारे में। पीली कौड़ियों का उपाय। वैशाख पूर्णिमा के दिन 11 पीले रंग की कौड़ियाँ खरीद कर लानी चाहिए, और अगर पीली कौड़ी ना मिले तो नॉर्मल कौड़ी खरीद कर उन पर हल्दी लगा लें और उन्हें लाकर माता लक्ष्मी के चरणों में अर्पण करें। उसके बाद अगले दिन इन कौड़ियों को लाल कपड़े में बांधकर अपनी तिजोरी में रख लें। इस उपाय से घर में आर्थिक बरकत होती है। झाड़ू का दान। इस दिन माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए मंदिर में झाड़ू का दान करना चाहिए। जल दान। जैसा कि आप सभी जानते हैं, वैशाख में गर्मी की तपन अधिक बढ़ जाती है, तो इस दिन शिव मंदिर में जल दान करने के लिए और पशु पक्षियों को पानी पिलाने से घर में धन लक्ष्मी की बरकत होती है। इस दिन चंद्र देव का पूजन करके श्री सूक्त का पाठ करें, साथ ही लक्ष्मी मंत्र का भी जाप करें। शाम के समय किसी नजदीकी मंदिर में जाकर महालक्ष्मी और विष्णु जी का पूजन करें व उनके समक्ष दिया जलाएं। इस दिन माता लक्ष्मी को दूध, मखाने और केसर की खीर का भोग लगाना चाहिए एवं इसको प्रसाद के रूप में खुद भी खाएं और परिवार के सभी लोगों में बांटें। व्यापार में वृद्धि के लिए, अगर आप अपनी दुकान में, अपने काम में, अपने बिजनेस में संपन्नता लाना चाहते हैं, तो आप इसके लिए वैशाख पूर्णिमा के दिन जो भी आपका ऑफिस या दुकान है, वहाँ के पूजा स्थल में माता लक्ष्मी की प्रतिमा के पास एक गोमती चक्र पूर्ण विधान के साथ स्थापित करें। उसके बाद वहाँ पर लाल आसन पर बैठकर कनक धारा स्रोत का पाठ करें। अगले दिन इस गोमती चक्र को अपने घर में या फिर दुकान में धन के साथ रख दें। ऐसा करने से आपके व्यापार में वृद्धि हो। वैशाख पूर्णिमा के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करें और तांबे के लोटे में जल लेकर उसमें हल्दी डालकर घर के मुख्य द्वार के दोनों ओर छिड़कें। माना जाता है कि भगवान विष्णु के 9वें अवतार यानी कि भगवान बुद्ध का जन्म भी वैशाख पूर्णिमा पर ही हुआ था, और उन्हें ज्ञान की प्राप्ति भी इसी दिन बौद्ध वृक्ष के नीचे यानी कि पीपल के पेड़ के नीचे हुई थी। इसीलिए इस दिन पीपल के पेड़ की पूजा का भी विशेष महत्व माना गया है। सुबह स्नान के बाद पीपल के पेड़ पर सरसों के तेल का दीपक जलाएं और दूध मिश्रित जल भी चढ़ाएं। इस दिन जरूरतमंद लोगों को रोज में प्रयोग आने वाली वस्तुओं का दान जरूर करना चाहिए। यदि आप घड़े का दान कर सकते हैं तो जरूर करें, पर याद रखें कि घड़ा कभी भी खाली दान नहीं किया जाता। इसमें कोई शरबत बनाकर या फिर सादा जल भरकर ही दान करें। इसके अलावा फल, पंखा, सूती वस्त्र, चप्पल और छतरी का दान करने से भी जीवन में सुख शांति स्थापित होती है। आशा है आप लोगों को मेरे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आई होगी। धन्यवाद।